फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज हम लोग एक नई वीडियो सीरीज की स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसका नाम है MIQ मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज हर टॉपिक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई ऐसे वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होंगे, जो मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस और रिसर्च के बाद सिलेक्ट किए हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। मीन्स आप ये मान के चलिए कि अगर आप नीट एंड JEE एस्पिरेंट हैं, या इस साल आप पहली बार नीट एंड JEE का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होने वाला है। मैं इस चीज़ पर कोई ऐसा क्लेम नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को कीजिए। एग्ज़ाम के बाद आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि सर इन क्वेश्चन से आपको क्या फ़ायदा हुआ। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो सीरीज़ में, तो सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन को करने के बहाने हम शॉर्ट में उस टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि टॉपिक का लगभग लगभग सारा का सारा कंसेप्ट हमारे लिए मेमोराइज हो जाए और हमारा रिवाइज हो जाए। तो इस तरीके की हमारी इस वीडियो सीरीज़ में कोशिश रहेगी। बट ये तो रही बात कि जो मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो सीरीज़ में, बट एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ मेरी छोटी सी कंडीशंस हैं इस वीडियो सीरीज़ को अगर आप अटेंड कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को अटेंड कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसको रेगुलर देखें, हर एक दिन छोड़ के लगभग शाम को 7 से 8 बजे के बीच में ये वीडियो आपको मिला करेगा अलग अलग टॉपिक का। तो मेरी छोटी सी कंडीशन क्या है, आप इसको रेगुलर देखें। दूसरी बात, सिर्फ देखें ही नहीं, आप इन क्वेश्चंस के नोट्स बनाइए। आप इस जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा इनके नोट्स बनाइए, तो आप देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मींस कहना ये चाहता हूँ मैं कि जनरली मैं ऑनलाइन स्टडीज़ को सपोर्ट नहीं करता, बट फिर भी जो कोविड पैंडेमिक के कारण जो सिचुएशंस जनरेट हुई, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस मुझे स्टार्ट करनी पड़ी और मैं स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुँचा सकूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें स्टार्ट की मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन को मैं क्यों सपोर्ट नहीं करता, कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो उसका सबसे पहला ड्रॉबैक क्या होता है कि स्टूडेंट मोबाइल में देखता है और मोबाइल में देखने के बाद पढ़ के सोचता है कि उसने पढ़ लिया, उसको समझ में आ गया, बट उसके पास कोई फिजिकल रिकॉर्ड नहीं रहता, जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मेरी कंडीशन यह है कि जब आप मेरी इस वीडियो को देखें, जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत मुश्किल से या बहुत मेहनत से मैंने रिसर्च करके ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। क्वेश्चंस तो कोई भी करा सकता है, बट उन पर रिसर्च करके उनको इम्पॉर्टेंट यही है ये छांटना एक बहुत मेहनत का काम है। तो वो चीज़ मैं जब आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरी बस यही कंडीशन है कि आप उसके नोट्स प्लीज़ बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज़ को। ये वीडियो सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप इस चैनल पर नए आए हैं, तो आप प्लीज़ इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी की सारी MIQs आपकी मुट्ठी में हो। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखते हैं जो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में आज हम मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। मतलब आज मैं आपको जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो मोल कॉन्सेप्ट के होने वाले हैं। तो देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट के क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इनमें क्वेश्चन मैं आज आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा, उनमें से 4 क्वेश्चन JEE मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वाला एक क्वेश्चन JEE एडवांस के हिसाब का है। और क्वेश्चन को करेंगे हम, क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि एक सबसे बड़ा जो एडवांस का क्वेश्चन है वो बिना पेन चलाए सिर्फ खड़े खड़े हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 20 mg फेरस फ्यूमरेट इज प्रेजेंट इन 500 mg ऑफ आयरन कैप्सूल। मतलब कि आयरन का एक कैप्सूल है जो पेशेंट्स को देते हैं, 500 mg का है, उसके अंदर 20 mg फेरस फ्यूमरेट प्रेजेंट है। तो बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज वेट ऑफ आयरन इन होल कैप्सूल, पूरे के पूरे कैप्सूल में आयरन का वेट कितना परसेंट पहुंचा। मींस कहना ये चाहते हैं कि जब हम पेशेंट को देते हैं कैप्सूल, तो कैप्सूल में तो 500 mg है, तो वो तो दे दिया, तो देने के बाद उस पेशेंट के बॉडी में रियलिटी में आयरन कितना पहुंचा, या फिर उस कैप्सूल में प्रॉपर आयरन कितना था, क्योंकि कैप्सूल में अपन ने दिया तो फेरस फ्यूमरेट था। तो क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, इसलिए बायोलॉजी में नहीं जाएंगे इसकी, बट केमिस्ट्री का तो सॉल्व करेंगे। तो देखिए परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन अपन ये कर रहे हैं, बट इससे मिलते जुलते भी सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जब आप इसको अच्छे से देखेंगे। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, परसेंटेज का अगर वो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखिए कि पूछ क्या रहा है, परसेंटेज वेट किसका, आयरन का। तो सबसे लिख देंगे
परसेंटेज वेट ऑफ आयरन आपको निकालना है, तो सब जब किसी का भी परसेंट निकालना है, सिर्फ इसी के लिए नहीं, किसी का भी परसेंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, जिसका परसेंट है उसका वेट, तो वेट ऑफ आयरन और हमेशा नीचे टोटल वेट, परसेंट निकालना है इसलिए 100। ये फॉर्मूला आज आयरन के लिए किसी के लिए भी बन जाएगा। जब अपन को निकालना है तो इसमें टोटल वेट, पूरे के पूरे कैप्सूल का टोटल वेट उसने आपको दिया है, क्या दिया है, 500 mg, 500 mg उसने अपन को टोटल वेट दिया है। अब वेट ऑफ आयरन फाइंड करना है हमको कि आयरन का वेट क्या होगा। आयरन का वेट 20 mg, ये वो नहीं, आयरन का वेट 20 mg नहीं है, ये तो फेरस फ्यूमरेट का वेट है। तो बस यही अपन को यहाँ पर साइड में पहले सेट करना पड़ेगा, फेरस फ्यूमरेट में आयरन कितना होता है। तो फेरस फ्यूमरेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH(CO) का होल ट्वाइस Fe, ये फेरस फ्यूमरेट का फॉर्मूला होता है। पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट से ही पता चलता है कि आयरन कितना होगा उसमें। तो कार्बन का 12 12 24 24 और 16 32, 32 और 24 आपके, 32 और 24 तो कितने हो गए आपके, 56, 56 और 57, 57 का डबल करेंगे तो 57 का लो 114, 114, 114 ये हो गया आपका इतने का 114, और आयरन का होता है 56, टोटल कर देंगे 114 और 6 120, और 120 और 50 170, मतलब कि टोटल 170 ग्राम इसका मॉलिकुलर वेट हो गया फेरस फ्यूमरेट का। इस 170 ग्राम में कितना है आयरन, तो निकालेंगे 170 ग्राम FF फेरस फ्यूमरेट में आयरन कितना है, 56 ग्राम, आयरन का मॉलिकुलर वेट 56 होता है। तो निकालेंगे 1 ग्राम में, हर जगह लगेगा ये फंडा, 1 ग्राम फेरस फ्यूमरेट में आयरन कितना होगा, 56 अपॉन 170। ये ट्रिक हर जगह लगने वाली है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, आप ऐसे करके किसी का भी निकाल सकते हैं। उसने आपसे, आपको कितने में निकालना है, 1 ग्राम में निकालना है क्या, नहीं, हमको निकालना है 20 मिलीग्राम फेरस फ्यूमरेट में कितना होगा आयरन। तो अच्छा, 1 ग्राम में इतना, तो 20 मिलीग्राम फेरस फ्यूमरेट में आयरन होगा कितना, तो 1 ग्राम का लिख दिया 56 अपॉन 170 इंटू 20, सिंपल सॉल्व कर देंगे, इससे कट जाएगा 17 का 56 में से डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको इस पहले डबल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 112 अपॉन 17, 112, 17 का भाग 112 में देना है, 17 का 5 बार होता है 85, 17 का 6 बार होता है 102, मतलब 6 पॉइंट कितना बचेगा, 10, 10 6.5 के आसपास आएगा, 6.5 मिलीग्राम। कुल मिला के क्या निकला कि 20 mg फेरस फ्यूमरेट जो था उसमें हमने निकाल लिया, 20 mg फेरस फ्यूमरेट जो था उसमें 6.5 मिलीग्राम आयरन है, मतलब कि आयरन का वेट कितना है 6.5 मिलीग्राम, इंटू परसेंटेज निकाल रहे तो 100 तो है। मैं इस पे पहुंचने से पहले एक बार आपको फिर से आप बेसिक कंसेप्ट, जो कि इस चीज़ का मेन था, फेरस फ्यूमरेट का फॉर्मूला CH(CO) का ऑल्टोआइस होता है और आगे आयरन, अपन ने पूरे का मॉलिक्यूलर वेट निकाला, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद देखा कि 170 ग्राम फेरस फ्यूमरेट में आयरन होता है 56 ग्राम, तो 1 ग्राम में होगा 56 अपॉन 170, तो फिर 20 मिलीग्राम फेरस फ्यूमरेट में आयरन कितना होगा, 20 मिलीग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी चीज़ का 1 का निकाल लो, 1 ग्राम का या जो भी यूनिट है, और उसमें जितने का पूछा उतने से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किया तो हमारा 6.5 मिलीग्राम, 6.5 मिलीग्राम आया। तो मैंने यहाँ वेट ऑफ आयरन पुट कर दिया और अब इसको सॉल्व कर लूँगा, 0 से 0 गया, 5 का 6.5 में बस देना है, mg से mg क्या, तो 5 का 6.5 में जब हम देंगे तो क्या आएगा, एक बार जाएगा, बचा कितना 1.5, 3 बार, तो 1.3% इस पूरे कैप्सूल में क्या है, आयरन, और ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा कितना सुंदर सा और प्यारा सा क्वेश्चन था, देखने में था लग रहा था कुछ डिफरेंट, पर देखा जाए तो 3 स्टेप का है और ये बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, आप लोग जरूर इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है उसमें डाटा चेंज करे बट क्वेश्चन कुछ इस वेराइटी का आएगा, हो सकता है आयरन में फेरस फ्यूमरेट के कोई और दूसरे ड्रग के लिए वो पूछ रहे तो उसका फॉर्मूला वो आपको देगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने क्या है, 4.48 लीटर एंड 46 ग्राम
एन अननोन गैस इज प्रेजेंट एट एसटीपी, मतलब कि एक अननोन गैस है, पता नहीं कौन सी है, जो जिसका वॉल्यूम 4.48 लीटर है एंड उसका वेट 46 ग्राम है, उसने दोनों चीज़ें दी हैं, वॉट वुड बी इट्स मॉलिकुलर वेट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट कई बार स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। चलिए तो देखिए, सिंपल सा फंडा है इसका, एक छोटा सा फंडा आप याद रखेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वन मोल आइडियल गैस, जब कुछ ना बोला जाए तो नॉर्मल गैस को भी आइडियल जैसा ही मानना है, तो वन मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर होता है कि नहीं होता एट एसटीपी? होता है, यस होता है। तो जब 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर, तो पहले तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि एसटीपी और एनटीपी में क्या क्या कंडीशंस होती है, ओके। इस वीडियो सीरीज़ को हमको लाइव क्लास की तरह ट्रीट करना है, जैसा फिजिकल क्लास होती है ना, कि क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं तो मैं पूछूंगा तुरंत आप बोलेंगे, तो रिस्पॉन्स आता है, टीचर का इंटरेस्ट बढ़ता है और टीचर आपको नई नई चीज़ें पटकता जाता है, तो वही चीज़ है। तुरंत आप मुझे बताइए एसटीपी और एनटीपी में क्या क्या कंडीशंस होती है, जिन स्टूडेंट्स को पता है वो कमेंट में बता दें। तो बोल रहा है कि इतना वॉल्यूम है, इतना वेट है, एक कोई गैस है एसटीपी पर है, तो उसका मॉलिकुलर वेट बता दो। जिसको ये लाइन याद है वो कर देगा दो मिनट में, कैसे? वन मोल गैस है तो उसका वन मोल गैस का होता है 22.4 लीटर, उसका वॉल्यूम उसने कितना दिया है, 4.48 लीटर तो उसने दिया है। भैया अगर वन मोल होती तो कितना होता, 22.4 लीटर होता। वन मोल बनाने के लिए क्या करना, वैल्यू देखिए, 4 5 होता है 20, 0.4 का 5 में करेंगे तो 2 आता है, तो इस हिसाब से ना 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई कर इसको कर देता हूँ तो ये वन मोल बन जाता है। इसका वेट कितना है, 46 ग्राम, 46 ग्राम में भी 5 का कर दो। भाई जब इसमें आपने वॉल्यूम में करा तो वेट में भी कर दो, कोई चीज़ का वॉल्यूम 5 गुना बढ़ा हो गया तो वेट भी तो बढ़ेगा, अगर क्वांटिटी में बढ़ा रहे हो तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा भैया, 40 का 5 में करेंगे 200 और 6 का 5 में करेंगे 30, हो गया 230 ग्राम, ये आपका हो गया आंसर आ गया। मोल कंसेप्ट के मेथड से करेंगे बहुत सारा लंबा हो जाएगा, 8-10 लाइन भर जाएंगी, 2 लाइन का है, कंसेप्ट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूँ ये बात, ओके। चलिए अब मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये जो आपके लिए मैंने सामने बनाया है और एक बहुत ही रेपुटेड एग्जाम में मिलता जुलता क्वेश्चन आ भी चुका है। क्या है क्वेश्चन, फॉर अ गिवन वन मोल ऑफ आइडियल गैस कैप्ट एट 6.5 एटीएम इन अ कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 2.46 लीटर, फाइंड एवोगैड्रो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, और ग्राफ दिया गया है। वो बोल रहा है कि एक वन मोल आइडियल गैस है जो कि एक कंटेनर में रखी गई है जिसका प्रेशर 6.5 एटीएम है और उसकी कैपेसिटी है, मतलब वॉल्यूम है 2.46 लीटर। तो पूछ रहा है कि एवोगैड्रो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बता दीजिए, मतलब कि एवोगैड्रो समानुपाती स्थिरांक हिंदी में, तो ये क्या होता है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और उसने है ना हमको ग्राफ दिया है मोल और वॉल्यूम के बीच में जो कि पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें मैं 2 क्वेश्चन बोलूँगा आपसे, एक क्वेश्चन तो ये है ही जिसको हम सॉल्व करेंगे, बट मैं एक एक क्वेश्चन ये पूछूँगा कि ये ग्राफ ऐसा क्यों है और इसमें डॉट 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 लाइन का मतलब क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो सबसे पहले एवोगैड्रो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को समझना पड़ेगा, जब भी आइडियल गैस की बात चले तो ये तो अपन समझ जाते हैं पी वी इज इक्वल एन आर टी। तो जब पी वी इज इक्वल एन आर टी है तो हम जानते हैं इसमें दिख रहा है वी प्रोपोर्शनल टू एन है, इस हिसाब से अगर अपन देखें वी इज इक्वल एन आर टी अपॉन पी, तो बात की जाए अगर इस ग्राफ को देख के एवोगैड्रो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होगा, तो एवोगैड्रो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, बस ये जरूर ध्यान से देखिएगा, ये होता है अपना आरटी अपॉन पी, ध्यान रखिएगा आरटी अपॉन पी। तो आरटी अपॉन पी क्या हो जाएगा, वी अपॉन एन इज इक्वल आर टी अपॉन पी, मुझे पता है वी क्या है, वी उसने दिया है 2.46 लीटर और मुझे पता है मोल कितना है 1, तो आंसर आ गया 2.46, ये इसका आंसर आ गया।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन वो आपको दे सकता है, JEE में आने की इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा संभावना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें कि एक ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये डॉट डॉट लाइन का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको क्यों नहीं है, ये जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। कमेंट में सप्तबंधु ई अकेडमी नाम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, जिस अगर आपका आंसर सही होगा तो उस पर करेक्ट आपको पता चल जाएगा। ओके, आइए मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड टू कंबाइंड विद 7 ग्राम ऑफ N2 टू फॉर्म N2O3 व्हेन 80% ऑफ N2 इज कन्वर्टेड टू N2O3। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल मीन्स बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट का, जो कि हर 1-2 साल छोड़ के देखने को मिल जाता है नीट JEE में, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन क्या है। वो बोल रहा है कि ऑक्सीजन एटम्स का नंबर कैलकुलेट करना, पहले तो माइंड सेट करो, पूछ क्या रहा है, ऑक्सीजन एटम का नंबर पूछ रहा है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू कंबाइंड मीन 7 ग्राम ऑफ N2, मतलब N2 से रिएक्शन करेंगे, कितनी N2 से, 7 ग्राम से, और क्या बनाएंगे, N2O3 बनाएंगे, और एक कंडीशन उसने ऐड कर दी है कि N2 सिर्फ 80% ही कन्वर्ट होती है। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन का एटम पूछ रहा है और ऑक्सीजन की N2 से रिएक्शन कराना है जिससे N2O3 बने, और जितनी N2 उसने दी है उसका 80% यूज करना है। सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे N2O2 और N2O3। कुछ लोग सोचते सर ये रिएक्शन कैसे बन जाती है, अरे रिएक्शन किसी को बनी बनाई नहीं आती है, जो दिया है वो लिख दो बन गई रिएक्शन, बैलेंस कर दो, बैलेंस करना आना चाहिए। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, यहाँ 2 है, तो या तो यहाँ 3/2 करो, या फिर एक काम करो 2N2 ले लो, तो यहाँ पे N2O3 भी 2 बनेंगे। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 6, अरे नहीं भैया तो 12 हो जाएंगे, क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो अब क्या करना है अपन को, वो बोल रहा है कि O2 के एटम फाइंड करने हैं, O2 के एटम फाइंड करने हैं, तो O2 N2 आप उसने आपको दी, N2 उसने दी आपको 7 ग्राम, बट यहाँ से सबसे खास बात है कि 7 ग्राम दी है, बट वो बोल रहा है ओनली 80% ही N2 कन्वर्ट होती है, मतलब कि 7 ग्राम का हम लोग क्या निकालेंगे, 80%, यही निकाल लो, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। 7 ग्राम का 80% मतलब कि अपॉन में 100, इससे कट जाएगा कितना आएगा, 0.8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5.6 ग्राम ये कट के आ जाएगा, करके देख लेना, अपॉन में परसेंट से हटाऊंगा, अपॉन में 100 आएगा, 0 0 कट जाएगा, और 8/10 ना 0.8, 0.8 से मल्टीप्लाई, 7 का 8 में करेंगे 56, 0.8 है तो 5.6, 5.6 ग्राम N2 है। अब जब भी कभी आपको रिएक्शन से रिएक्शन में खेल खेलना है तो पहले मोल्स पे आइए, तब आप O2 का काउंट कीजिएगा। तो पहले देखेंगे मोल्स कितने हैं, मोल की बात करें तो 5.6 अपॉन 1 मोल कितने का है, 14 14 28, 28 ग्राम का 1 मोल है, तो टोटल मोल कितने हो गए हमारे पास, 56 होते तो 2 मोल होते, बट 5.6 है तो 0.2 मोल, बस आंसर आ गया, जस्ट करीब आ गए। रिएक्शन बैलेंस है तो क्या है, अगर N2 के 2 मोल को चाहिए ऑक्सी, O2 के 3 मोल, 2 को चाहिए 3, तो भैया 0.2 को चाहिएगा 0.3 मोल, मतलब कि ऑक्सीजन के 0.3 मॉलिक्यूल हमको चाहिए, बट उसने पूछा क्या है, ऑक्सीजन एटम कितने हैं, ठीक है, पहले मोल को कन्वर्ट कर लो, आप मोल को कन्वर्ट कर लेंगे तो मोल की वैल्यू रख देंगे, क्या होती है, 6 × 10^23, तो क्या आ जाएगा, 1.8 × 10^23 क्या आ गया, मॉलिक्यूल, क्योंकि O2 एक मॉलिक्यूल है। उसने आपसे क्या पूछा, अधिकतर लोग इसी को आंसर लगा के आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी हैं, मैंने दिए नहीं हैं आपको, तो वो यही ऑप्शन होते हैं कि कंफ्यूजिंग तुरंत लगा दे, मॉलिक्यूल है, इसको एटम एटम से कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल में है 2 एटम्स, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे × 10^23, तो क्या हो जाएगा, 3.6 × 10^23 एटम्स आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बट JEE मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट और सबसे बढ़िया क्वेश्चन, देखते हैं।
तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस के लायक है, बट कर कोई भी सकता है। प्रॉपर मेथड मैं बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन का, वो मेथड आपका बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम में भी इस तरीके का मेथड लगता है कई जगह, बट उसके बाद में मैं आपको इस क्वेश्चन की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको इस क्वेश्चन और इसके जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना पेन चलाए इसका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। तो इन द गिवन रिएक्शन, हीटिंग ऑफ 20 ml गैसियस मिक्सचर ऑफ O3+O2, मतलब 20 ml गैसियस मिक्सचर है O3 और O2 का। आफ्टर रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट इज ओनली O2 एंड फाइनल वॉल्यूम इज 21 ml, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O3 गैस इन इनिशियल मिक्सचर। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, वो बोल रहा है कि एक O3 और O2 का एक इनिशियल मिक्सचर दिया गया है जिसका वॉल्यूम क्या है 20 ml। समझे ना, कि एक कंटेनर मान लिया हमने, ये कंटेनर या कुछ भी मान लो, इसमें O3+O2 है और वो क्या है 20 ml। ये क्वेश्चन इसमें वो बोल रहा है कि O3 जो है, मतलब रिएक्शन हो रही है, ऐसा बोल नहीं रहा है, रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन के बाद में फाइनली फाइनली हमको O2 गैस मिलती है, मतलब लास्ट में इस कंटेनर में अकेली अकेली क्या रह जाती है O2 गैस, और वॉल्यूम कितना हो जाता है 21 ml। तो ये क्वेश्चन है, वॉल्यूम 21 ml हो जाता है और वो बोल रहा है कि लास्ट में अकेली O2 गैस रह जाती है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो शुरुआत में बताइए कि इस कंटेनर में O3 गैस कितने ml थी। तो एक छोटी सी ट्रिक जो पूरी मोल कंसेप्ट में लगेगी कि गैस के मामले में ml और मोल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो दोनों को अपन ml को मोल मान के भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। चलिए तो देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझ गए ना आप क्वेश्चन को, कि शुरुआत में एक कंटेनर है जिसमें O3 और O2 का गैसियस मिक्सचर है, उसका वॉल्यूम 20 ml है। वो बोल रहा है कि इसके अंदर कुछ रिएक्शन चल रही है, जब भी O3 होती है तो रिएक्शन हो करके O2 बन जाती है। बोल रहा है कि जब रिएक्शन होती है तो बाद में सिर्फ O2 बचती है और उसका वॉल्यूम 21 ml हो जाता है। मैंने हालांकि छोटा बनाया है, जगह कम है इसलिए 21 ml ज़्यादा होता है। तो वो बोल रहा है कि इनिशियल मिक्सचर में O3 का वॉल्यूम बता दीजिए, वॉल्यूम के परसेंटेज भी पूछ सकता था, उसने फिलहाल वॉल्यूम पूछा है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम में इस तरीके की वैरायटी मोस्ट कॉमन है और मोल कंसेप्ट में तो आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, सबसे पहले जब कुछ भी वो बोले तो अपन मान लेते हैं कि T=0, मतलब स्टार्टिंग में ये कितना, पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, O3 और O2 है, उसने बैलेंस करके नहीं दिए, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे 2 लगा दूंगा, यहाँ 3 लगा दूंगा, तो यहाँ पे 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन और 6 इधर भी, 3 × 2 = 6। रिएक्शन बैलेंस में ऑलवेज इधर के एटम्स और इधर के एटम्स बराबर होते हैं, मॉलिक्यूल्स बराबर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट एटम्स ऑलवेज बराबर होते हैं। मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग में इसका AML था, तो इसका कितना होगा, अरे भाई टोटल 20 था, अगर इसका AML है तो इसका 20 - AML हो जाएगा, कुछ भी नया नहीं किया मैंने। अब मैं मान के चलता हूँ एट टी टाइम पे, टी टाइम पे बात करूँ, टी टाइम पे जब रिएक्शन होगी तो इसका खर्च होगा कितना, इधर स्टोइकोमेट्रिक फैक्टर 2 है तो 2x खर्च होगा, तो किसमें खर्च होगा, A - 2x खर्च हो जाएगा। तो इसका कितना बनेगा, इसका स्टोइकोमेट्रिक फैक्टर 3 है तो 3x बनेगा, पहले से इतना था ही, तो 20 - A + 3x, बोलो ये होगा, कुछ भी नया नहीं किया, बहुत कूल होकर सुनना, भड़बड़ी मत मचाना, जल्दबाजी मचाओगे तो इस ऑनलाइन स्टडी का कोई मतलब ही नहीं है, उठा के रख दो, कुछ नहीं होने वाला, कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। जब भी वीडियो देखो मेरा, बहुत शांति से देखो तो मज़ा आएगा, चीज़ सीखोगे। अगर ऐसा जिन स्टूडेंट्स को लगता है, मैं जानता हूँ कि यूट्यूब पे जब बच्चे वीडियो देखते हैं तो कई बच्चों के मन में रहता है कि कितने मिनट का है, अरे भाई कितने मिनट का है, बंद करके रख दो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कूल होकर शांति से देखिए, कुछ सीखना है नोट्स बनाइए। चलिए तो देखते हैं, A - 2 है, शुरुआत में हमने इसको AML लिया और इसको 20 - A, क्योंकि टोटल 20 था, 20 में से ए माइनस कर दिया, 20 - AML। अब T = 0 पे देखेंगे, T = 0 पे तो ये था, यहाँ जगह नहीं इसलिए लिख नहीं रहा हूँ मैं, तो टी टाइम पर क्या होगा, A - 2x, 2x क्यों माइनस किया, यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्रिक फैक्टर होता उतना घटता है, तो 2x घट गया, इधर 3x बन गया। अब अपन जानते हैं
कि जब फाइनल मिक्सचर में सिर्फ O2 है, O3 है ही नहीं, मतलब कि O3 पूरी खर्च हो गई, मतलब कि A तुम्हारा पूरा खर्च हो गया, A तुम्हारा पूरा खर्च हो गया, तो A माइनस 2x में से क्या बचेगा, जीरो, जीरो बचेगा। तो इससे हम A की वैल्यू और x की वैल्यू में रिलेशन निकाल सकते हैं, A माइनस x इज इक्वल 2x इक्वल जीरो, तो A इज इक्वल 2x, तो और x इज इक्वल A बाई 2। इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि सिर्फ एक अननोन चीज बची रह जाएगी A। दूसरी बात, हम जानते हैं कि जब उसने बोला फाइनल मिक्सचर 20 माइनस A तो ये था ही, और 3x से बन गया, तो फाइनल मिक्सचर का वॉल्यूम उसने बोला था 21 ml। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 20 माइनस A पहले से था, 3x बन गया, उसने बोला बनने के बाद टोटल 21 ml ऑक्सीजन हो गई थी, मैंने लिख दिया 21 ml। इसमें A की वैल्यू रख दूंगा 20 माइनस A प्लस 3 A बाई 2, एक्स की वैल्यू A बाई 2 है, इज इक्वल 21। फटाक से अपन क्या करेंगे, इसको LCM ले लेंगे दोनों स्टेप्स का, 2 आएगा LCM, ये नीचे जाएगा तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 माइनस A प्लस 3A इज इक्वल 21, 2 उधर चला जाएगा 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस 2A प्लस 3A इज इक्वल 42, 3A में से 2A चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 प्लस A इज इक्वल 42, तो फिर A क्या हो जाएगा, A इज इक्वल 42 माइनस 40 इज इक्वल 2 ml। तो इस तरीके से आंसर आ गया 2 ml। कुल मिला के इनिशियल वॉल्यूम जो ओजोन का था, O3 का था, वो AML था, मतलब 2 ml था। इतना सा क्वेश्चन है, ये पैटर्न आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में खासकर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं इस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की आपको एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा जो कि चलते फिरते हो जाएगी और दूसरे क्वेश्चंस में भी कई जगह लग जाएगी। क्या है वो ट्रिक, तो कॉमन सेंस, लेकिन ट्रिक सीखने से पहले मेथड भी आना चाहिए क्योंकि मेथड बहुत काम आएगा। तो देखते हैं ट्रिक क्या है, कॉमन सेंस, क्वेश्चन को बहुत कूल होकर पढ़ना चाहिए और इस तरीके से समझना चाहिए। क्वेश्चन को मैंने समझा कि O3 और O2 का मिक्सचर है, उसमें 20 ml का, वो बोल रहा है कि रिएक्शन होती है O3 O2 में कन्वर्ट हो जाती है कम्प्लीटली और मिक्सचर का वॉल्यूम 21 ml हो जाता है। तो क्या हो रहा है कि जब रिएक्शन होने के बाद सिर्फ 1 ml बढ़ रहा है, और 1 ml कब बढ़ता है, ओजोन की रिएक्शन में, जब ओजोन के 2 mol रिएक्शन करते हैं तो 3 mol ऑक्सीजन बनती है, मतलब कि 1 mol या 1 ml कब बढ़ता है, जब ओजोन के 2 mol रिएक्शन करते हैं तभी तो बढ़ता है 1। तो यहाँ पे जब 1 बढ़ रहा है इसका मतलब है कि ओजोन के 2 mol या फिर 2 ml रिएक्शन कर रहा है। इस क्वेश्चन में ml की जगह मोल देता तब भी आंसर सेम ही रहता। समझ गया ना ट्रिक क्या है, सिंपल सी, कि भैया जब ओजोन के 2 mol या 2 ml रिएक्शन करते हैं तब O2 के 3 mol बनते हैं, सीधी सी बात। तो 2 से 3 बनते हैं, मतलब 1 तब बढ़ता है और यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ओजोन के 2 mol या 2 ml रिएक्शन कर रहे हैं, सिंपल सा आंसर है। ओके, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना आप लोग भी स्टार्ट कीजिए, इसीलिए मैंने फिजिक्स में टेस्ट सीरीज, थिंकिंग एनहेंसमेंट सीरीज बनाई थी। तो स्टूडेंट्स ये आज का एपिसोड था, अब नेक्स्ट एपिसोड एक दिन छोड़कर आएगा, और नेक्स्ट एपिसोड में आप केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक चाहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का पहले अपन लोग कवर करेंगे, तो फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक जो आप चाहते हैं वो आप कमेंट में मुझे लिख के भेजिएगा, और मेरी इस क्लास को अगर आप लेते हैं तो सिंसियरिटी के साथ लीजिएगा, यही मैं चाहता हूँ, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे क्वेश्चन के नोट्स बना लेना और जो कमेंट करने को बोला था उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।